ट्विंस माय वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। प्रेगनेंसी जो एक ऐसा टाइम होता है, ये काफ़ी सुखद और अच्छा होता है। इनफैक्ट कौन सा कपल ऐसा नहीं चाहता है कि उनके घर में बेबी नहीं हो। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, लोगों की अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं जिसके अनुसार से वो बच्चे की जिम्मेदारियाँ फ़िलहाल नहीं लेना चाहते हैं। बहुत सारे न्यूली मैरिड कपल होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे कपल जिनको अभी आगे अपने करियर के ऊपर फोकस करना है या बहुत सारी चीज़ें हैं उनके लाइफ में, तो वो जिम्मेदारियाँ उठा नहीं सकते हैं, तो वो प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं, जो कि सही भी है। अगर किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं तो उसको प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ बेमन से अगर की जाए तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चा आपका प्यार डिज़र्व करता है, आपकी इग्नोरेंस नहीं। तो अगर आप बच्चे की जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहते हैं फ़िलहाल, तो आप प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप इस ज़िम्मेदारी के काबिल हैं या फिर जब आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तब आप प्रेगनेंसी के बारे में आगे सोच सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको आप बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए हुए आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे जो सबसे जो ईजीएस्ट वे होता है, वो होता है अपने शरीर को मॉनिटर करना। जी हाँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको अपनी साइकिल का पता चलता है, जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, वो कितने दिन की चल रही है, 28 डे की चल रही है, 30 डे की चल रही है, या कुछ भी चल रही है। तो अगर उसके अनुसार उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है, जैसे बहुत सारी महिलाओं को अपनी साइकिल का पता चलता है तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उनका ओवुलेशन कब हो रहा है। जैसे जनरली अगर 28 दिन का अगर साइकिल किसी महिला का चल रहा है, तो ये माना जाता है कि 10 से 14 दिन उनका ओवुलेशन हो जाता है, उनका एग रिलीज होके रप्चर होता है। तो इस ड्यूरेशन में जो 10 से 14 का जो टाइम होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल पीरियड होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। तो इस समय आपको रिलेशन बनाने से परहेज करना चाहिए। ऐसी महिलाएं हैं जिनको अपने पीरियड्स का रेगुलर जो साइकिल्स हैं उनका अंदाज़ा नहीं रहता है कि उनकी जो साइकिल 28 दिन की चल रही है, 30 दिन की चल रही है। तो ऑन एन एवरेज जो मोटे मोटे तौर पे मैं बता दूं कि 10 से 20वां दिन जो होता है, उस समय आपको रिलेशन से दूर रहना चाहिए। और जो पहला 10 दिन है या लास्ट का 10 दिन है, वो सेफ पीरियड माना जाता है। वो सेफ़ इसलिए माना जाता है कि इस समय प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो आपको मॉनिटर करना है खुद से कि आपकी साइकिल कैसे चल रही है, कितने दिन की चल रही है। या फिर बहुत सारी महिलाएं तो अपने शरीर को लेकर इतनी जागरूक होती हैं कि उनको अपने ओवुलेशन का भी पता चलता है। कुछ कुछ ओवुलेशन के सिम्टम्स हैं, जैसे कि उनके शरीर में थोड़ा सा टेम्परेचर का बढ़ना। जब उनका ओवुलेशन हो रहा रहता है, उस समय उनके टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज आता है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, जिससे भी वो समझ जाती हैं कि उस समय उनका ओवुलेशन चल रहा है। या फिर जब ओवुलेशन हो रहा रहता है, जब एग रिलीज़ होता है ओवरी से, उस समय भी कुछ म्यूकस या कुछ वाइट डिस्चार्ज निकलते हैं, इससे भी महिलाओं को अंदाज़ा लग जाता है कि उनका ओवुलेशन चल रहा है। तो जो महिलाएँ अगर जागरूक हैं, तो वो डेफिनेटली, मतलब ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 95% चांसेस ये है कि वो प्रेगनेंसी अवॉइड कर सकती हैं। बहुत सारे पुरुषों को कॉन्ट्रासेप्शन की जानकारी होती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अभी भी आज भी ऐसी हैं जो रूरल एरिया से बिलोंग करती हैं या फिर अज्ञानता की शिकार हैं, जिनको नहीं पता है और वो प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं कर पाती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी काम की रहेगी। तो आप इसे हो सके तो दूर दूर तक फैलाइए, ताकि कोई भी ऐसी महिलाएँ अज्ञानता से परेशान ना हो, उनकी तरफ भी अवेयरनेस बढ़े। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को दूर तक शेयर करिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर तो ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।